सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले रियलमी की तरफ से आने वाला उनका काफी फ्लैगशिप वाला फोन रियलमी GT Neo 3 के बारे में। काफी जबरदस्त स्मार्टफोन होने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये कब लॉन्च होने वाला है, इसके अंदर आपको क्या क्या ऐसे बेहतरीन से परफॉर्मेंस वाले प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाता है, क्या क्या इसके अंदर स्पेसिफिकेशन होने वाले हैं और ये कब लॉन्च होने वाला है। सो दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं हमारे वीडियो। इसी प्रकार का मोबाइल रिलेटेड कॉन्टेंट डेली अपलोड होता रहता है हमारे चैनल पर, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। स्टार्ट कर लेते हैं हमारी ये बेहतरीन सी वीडियो। दोस्तों, इस स्मार्टफोन के हम डिस्प्ले की बात करें तो 6.7 इंच का यहाँ पर आपको FHD+ OLED डिस्प्ले पैनल देखने के लिए मिल जाता है। OLED डिस्प्ले पैनल होने वाला है, मतलब यहाँ पर आपको काफी पंची कलर्स देखने के लिए मिल जाएंगे इस स्मार्टफोन के अंदर। अगर आपको कंटेंट वॉचिंग करनी या फिर गेमिंग करनी है तो यहाँ पर काफी जबरदस्त ये डिस्प्ले वाइज स्मार्टफोन होने वाला है। सो दोस्तों, इसके अंदर आपको 120Hz का फास्ट रिफ्रेश रेट भी देखने के लिए मिल जाता है। उसी के साथ यहाँ पर 10 bit डिस्प्ले होने वाली है और HDR10+ का सपोर्ट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। डिस्प्ले क्वालिटी तो काफी जबरदस्त है स्मार्टफोन में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अगर आप गेमिंग या फिर कंटेंट वॉचिंग ज्यादा करते हो तो काफी जबरदस्त ये डिस्प्ले वाइज स्मार्टफोन होने वाला है। सो दोस्तों, यहां पर हम प्रोसेसर की बात करें तो MediaTek की तरफ से आने वाला MediaTek Dimensity 8100 यहां पर आपको जल्दी इंडियन मार्केट में ये लॉन्च होता दिख जाएगा। ये काफी जबरदस्त स्मार्टफोन होने वाला है। इस प्रोसेसर के साथ ये काफी जबरदस्त तगड़ी परफॉर्मेंस आपको देखने के लिए मिल जाएगी स्मार्टफोन के अंदर और ये 5G स्मार्टफोन होने वाला है। ये 5G चिपसेट है दोस्तों 8100 और इसके अंदर आपको काफी तगड़ी परफॉर्मेंस भी देखने के लिए मिल जाएगी। ये न्यू प्रोसेसर है MediaTek की तरफ से आने वाला और ये यहाँ पर आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाती है। प्रोसेसर के मामले में डे टू डे यूसेज में आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करने के लिए नहीं मिलने वाली है। प्रोसेसर काफी तगड़ा है इस स्मार्टफोन में आपको देखने के लिए मिल जाता है। सो दोस्तों, यहाँ पर हम कैमरास की बात करें तो कैमरा के अंदर यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आपको 50 MP का मेन सेंसर देखने के लिए मिल जाएगा जो कि एक सोनी का सेंसर होने वाला है। यहाँ पर आपको फोटो क्वालिटी एंड वीडियो क्वालिटी सोनी के कैमरे के सेंसर के साथ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती है। उसी के साथ यहाँ पर आपको 8 MP का अल्ट्रावाइड सेंसर देखने के लिए मिल जाएगा और यहाँ पर आपको 2 MP का माइक्रो सेंसर भी देखने के लिए मिल जाएगा। कैमरा क्वालिटी काफी जबरदस्त इस स्मार्टफोन में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन आप इसे कह सकते हो, ऑलराउंडर स्मार्टफोन होने वाला है दोस्तों ये। और इसके फ्रंट सेल्फी कैमरे की बात करें तो यहाँ पर आपको 16 MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। कैमरा क्वालिटी काफी जबरदस्त इस स्मार्टफोन में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। वही यहाँ पर हम बैटरी सेटअप की बात करें तो यहाँ पर आपको 4500 mAh की बड़ी सी बैटरी देखने के लिए मिल जाती है, मतलब डिसेंट बैटरी होने वाली है। और इसके साथ यहाँ पर आपको 150W का फास्ट चार्जर देखने के लिए मिल जाता है दोस्तों। यहाँ पर 150W का काफी फास्ट चार्जर होने वाला है, सुपर फास्ट चार्जर इसे हम कह सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर इस स्मार्टफोन की चार्जिंग 10 मिनट में फुल्ली चार्ज हो सकती है। दोस्तों, बैटरी सेटअप तो काफी जबरदस्त स्मार्टफोन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बैटरी थोड़ी छोटी है पर यहाँ पर चार्जर काफी फास्ट आपको देखने के लिए मिल जाता है। सो दोस्तों, इसके मेमोरी वेरिएंट की बात करें तो इसके अंदर आपको 3 मेमोरी वेरिएंट देखने के लिए मिल जाते हैं। 8 GB RAM, 128 GB storage, 12 GB RAM, 128 GB storage और 12 GB RAM, 256 GB storage, जैसे 3 मेमोरी वेरिएंट स्मार्टफोन में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। उसी के साथ यहाँ पर हम बात करें तो ये स्मार्टफोन आपको एंड्रॉइड 11 के ऊपर देखने के लिए मिल जाएगा। 3.5 mm जैक इसके अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। टाइप सी पोर्ट होने वाला है। फेस अनलॉक का यहाँ पर आपको सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर होने वाला है और इसके अंदर आपको ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। वाईफाई 6 यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आपको LPDDR5 RAM होने वाली है और UFS 3.1 का स्टोरेज भी देखने के लिए मिल जाएगा। सो दोस्तों, ये डिस्प्ले वाइज और यहाँ पर प्रोसेसर वाइज, यहाँ पर बैटरी वाइज, बैटरी सेटअप वाइज यहाँ पर काफी अच्छा ये स्मार्टफोन होने वाला है, काफी ऑलराउंडर स्मार्टफोन होने वाला है। सो दोस्तों, इसी प्रकार का मोबाइल रिलेटेड कॉन्टेंट डेली अपलोड होता रहता है हमारे चैनल पर, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।